हेलो एवरीवन, दिस इज भानु एंड यू आर वाचिंग दी अध्यापक। कैसे आप सभी? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। सो व्हाट इज द कंसर्न अबाउट टू मेकिंग दिस वीडियो? इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कि पारा शिक्षक आकलन परीक्षा का सिलेबस को इतना टफ क्यों बनाया गया है। साथ ही जानने का प्रयास करेंगे कि अगर आप आकलन परीक्षा पास करते हैं तो क्या आपको टेट परीक्षा देना होगा या नहीं देना होगा, क्योंकि बहुत से पारा शिक्षकों का कहना था कि अगर हम 200 और 250 नंबर का आकलन परीक्षा देते हैं तो हमें टेट परीक्षा नहीं देना होगा। तो इन सारे सवालों के जवाब जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। सो जो भी पारा शिक्षक इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी वीडियो में बने रहेंगे अंत तक। साथ ही रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आप लोगों को दे दूं कि आकलन परीक्षा का जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पेड नोट्स अवेलेबल हैं। तो आप देख पा रहे होंगे वीडियो में कि ये 1 to 5 का आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स बनाया गया है। अगर आप लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको 1 to 5 में क्या क्या सब्जेक्ट मिलेगा, देखिए CDP मिलेगा, हिंदी इंग्लिश मिलेगा, EVS मिलेगा, इवन आपको जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है खट्टा वह भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर लेना है तो आप हमें WhatsApp कर सकते हैं। बाकी हम लोग बात करते हैं जो भी आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो आपका सिलेबस दिया गया है कि आखिर आकलन परीक्षा का सिलेबस को इतना टफ क्यों बनाया गया है। देखिए सबसे पहले तो कहा गया था कि आकलन परीक्षा के लिए आपका 200 और 250 नंबर की परीक्षा ली जाएगी, यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन जब जेक के द्वारा सिलेबस जारी किया गया, जब वहाँ पर देखा गया, ऑलरेडी वहाँ पर मेंशन किया गया है नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो देखते हैं कि वहाँ 200 प्रश्न रहेंगे 200 नंबर का। फिर 6 to 8 का देखते हैं तो 250 प्रश्न रहेंगे 250 नंबर का। सो ऑब्वियस सी बात है, इतने प्रश्नों को हल करने के लिए आपको समय भी अधिक चाहिए, लेकिन आपको समय दिया गया है 2.5 घंटा और 3 घंटा का, ठीक है। तो इस पर आप समझिए, आपका आकलन एग्जाम लिया जा रहा है। आकलन का मतलब क्या होता है? असेसमेंट टेस्ट। तो आप समझिए, जब आपका असेसमेंट टेस्ट इतना टफ लिया जा रहा है जो कि आपको बिल्कुल टेट के इक्विवेलेंट कर दिया गया है, जबकि टेट एग्जाम भी कहीं किसी राज्य में इतना नंबर का नहीं होता है, इतना टफ नहीं लिया जाता है, लेकिन झारखंड राज्य की विडंबना है। लेकिन मुझे जो क्वेश्चन आज एराइज करना था वो आकलन परीक्षा से संबंधित है, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे, ठीक है, और आपके मन में भी कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर होंगे, ठीक है। अब दूसरी बात करें तो कि क्या इसे टेट के इक्विवेलेंट माना जा सकता है, तो देखिए मैं आपको क्लियर बता दूं कि कहीं भी इस तरह का मेंशन नहीं किया जा सकता है। तो ये भ्रम में बिल्कुल ना रहे कि आपको आकलन देने के बाद टेट एग्जाम नहीं देना होगा, ठीक है। इसी के साथ और कई सारी समस्याएं हैं पारा शिक्षकों के साथ, जैसे कि टेट विसंगति का मामला बार बार आते रहा है। इसी के बाद आपका मानदेय की बात करें तो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के नाम पर उनका 3 महीने का मानदेय को रोक दिया गया, ठीक है। तो कई सारी समस्याएं कितने के साथ मैं अवगत कराऊं आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन कंसर्न था कि जो आकलन परीक्षा का सिलेबस है ये वाकई में बहुत टफ बनाया गया है। तो जो भी आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप लोग सीरियस हो जाएं और प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें, तभी आप इस आकलन एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। बाकी जो भी नोट्स लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं आप व्हाट्सएप कर सकते हैं दिए गए नंबर पर और नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। नोट्स में आपको EVS, CDP, मैथ, इंग्लिश, हिंदी से लेकर आपका जो रीजनल लैंग्वेज खट्टा है वह भी दिया जाएगा, ठीक है। तो आप जरूर से जरूर कॉन्टैक्ट करेंगे। धन्यवाद।